नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कई छात्र संगठन और राजनीतिक दल युवाओं के समर्थन में उनके साथ खड़े हो गए हैं। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवक पिछले 4-5 दिनों से सड़कों पर उतर कर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। कई ट्रेनों और स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसक प्रदर्शन से करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने सोमवार यानी कि 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। भारत बंद को लेकर देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो वहीं आज 350 ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। रविवार को भी 362 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री स्टेशनों पर ही फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 144 लागू की गई है। बंद का असर सुबह से ही दिखना शुरू हो गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। जाम की मुख्य वजह यह है कि दिल्ली की तरफ जा रही गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। कमोबेश यही हाल नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले रास्ते का है, वहां भी लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर से लेकर नोएडा गेट तक तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते अलर्ट जारी है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इस वजह से अक्षरधाम के पास भारी जाम लग गया। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले रास्ते पर रजोकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू की है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। भारत बंद के दौरान बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा जिले में इंटरनेट पर रोक रहेगी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में इन जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार भी रद्द कर दिया। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। अकेले सिर्फ बिहार में रेलवे का 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मध्य भारत में भी अग्निपथ योजना का विरोध का बुरा असर देखा जा रहा है। युवाओं के बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए सोमवार को झारखंड में सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए झारखंड में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उधर भारत बंद के मद्देनजर पंजाब पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पंजाब में सभी बड़े सैन्य कोचिंग संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फरीदाबाद में तकरीबन 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हरियाणा में बीते दिनों इस आंदोलन को लेकर कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में भारत बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए फरीदाबाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। यूपी में नोएडा पुलिस का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 पहले ही लागू है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन को लेकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिणी राज्य केरल में भी पुलिस ने भारत बंद को लेकर अपनी तैयारी को पुख्ता किया है। केरल पुलिस ने कहा है कि 20 जून को उनके सभी जवान ड्यूटी पर रहेंगे। इस दौरान अगर कोई किसी भी तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। देखते रहिए जन भावना टाइम्स। नमस्कार।